हेलो गाइस, आज हम यूजीसी नेट पेपर वन को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके एक्सपेक्टेड आंसर्स क्या हो सकते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, ये मैनेजमेंट और एचआर का पेपर वन डिस्कस किया गया है इसके अंदर। तो जिसने भी मैनेजमेंट और एचआर का पेपर दिया है इस बार नेट का, उसके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल है। वो अपने पेपर को एनालाइज कर सकता है और अपने आंसर्स को इवेल्युएट कर सकता है। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं और उसके आंसर्स क्या हो सकते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट और एचआर का पेपर टू का कंप्लीट एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, सो दैट जैसे ही हम अपने वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए एक एक करके हम पहले पेपर वन को एनालाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, ड्यूरिंग रिसर्च वाइल रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन इफ एन ऑब्जर्वर रेट्स एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द रेटिंग गिवन इन अनदर एस्पेक्ट ऑफ द इंट्रैक्शन दिस इज टर्म्ड एज। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जर्वर ने दो लोगों को ऑब्जर्व करा और किसी दूसरे बंदे की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे किसी और पर्सन को ऑब्जर्वेशन के रिकॉर्डिंग कर दी तो यहाँ पे किस टाइप का इफेक्ट आया यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसे। बी एक पर्सन है, बी ने दो लोगों का ऑब्जर्वेशन करा, एक्स एंड वाई। उसने वाई की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक्स को एक्स की इंटरप्रिटेशन कर दी तो यहाँ पे किस टाइप का इफेक्ट यहाँ से पूछा गया आपसे, तो इसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, थ्री। तो इसमें फर्स्ट का आंसर जो है आपका यहाँ पे क्या है, थ्री। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, पीयर ग्रुप इंट्रैक्शन इन अ क्लासरूम हेल्प मीन। अगर यहाँ पे पीयर ग्रुप इंट्रैक्शन हो रहा है तो किस टाइप की हेल्प मिलती है, तो देखिए पीयर ग्रुप इंट्रैक्शन से आपके जो रिलेशनशिप होती है वो बिल्डअप होती है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग को बोलते हैं रैपर्ट बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो रैपर्ट बिल्डिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर जो है वो है थ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंपेयर्ड टू। अब देखिए फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है वो सबसे पहला स्टेज होता है रिसर्च के अंदर। तो यहाँ पे होगा लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग द वॉल्स ऑफ ए होम, पॉलिशिंग द डोर्स ऑफ ए बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टिंग द सीलिंग ऑफ ए हाउस। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। अब यहाँ पे बिल्डिंग से कंपेयर करके बता रखा है कि इसमें पहला स्टेप कौन सा होगा। तो देखिए रिसर्च प्रॉब्लम तो पहला स्टेप है, लेकिन अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग सबसे पहला स्टेप होता है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। तो लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस इंप्लाइज यूज ऑफ वन। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि आप जो लर्न कर रहे हैं उसी को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर जो आपका आंसर होता है उसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। आप जो भी लर्न करते हैं उसको उसके एप्लीकेशन पार्ट को बोलते हैं क्या, मेटाकॉग्निशन। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, फोर का क्वेश्चन नंबर टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेल्ड क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू एंड कलेक्शन क्वेश्चनेयर आर इंस्टेंसेस ऑफ। अगर किसी को मेल करके क्वेश्चनेयर बनाई मंगाई गई है, ऑब्जर्वेशन किया गया है, इंटरव्यू लिया गया है या फिर कलेक्टिव क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करवाया गया है तो ये किस टाइप का सोर्स है, तो ये सारे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लाइज। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है जो भी स्पेशली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उन दोनों को एक साथ टीच करना, सो दैट उनके बीच में कोई भी पार्शियलिटी ना हो। सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड इन द मेन स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो डिसेबल्ड हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लेके आना होगा, तो ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ हाइपोथेसिस शुड बी कॉन्सेप्चुअली। हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए, तो देखिए पहला तो कह रखा है कन्वर्टेड कॉम्प्लेक्स एंड जेनरिक। कन्वर्टेड कॉम्प्लेक्स एंड जेनरिक नहीं, देखिए कॉम्प्लेक्स जहाँ पे भी आ जाए वो आपका आंसर नहीं होगा। हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सो दैट वो सबको समझ आ जाए। यहाँ पे भी देखिए कॉम्प्लेक्स है, नहीं आएगा ये। यहाँ पे देखिए थर्ड में बोला गया सिंपल, क्लियर एंड स्पेसिफिक, तो ये आपका आंसर होगा। फोर्थ में देखिए ऑब्स्क्योर, कॉम्प्लिकेटेड एंड सिंपल। देखिए कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सिमिलर ही मीनिंग होती है, तो ये भी आंसर में आपका नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर जो होगा वो आपका होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिसनिंग इज द इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स। टीचर्स को लिसनिंग क्यों जरूरी है, तो देखिए अगर टीचर लिसन नहीं करेगा अच्छे से तो वो अपने स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको नहीं समझ पाएगा कि स्टूडेंट्स चाहता क्या है, वो क्या पूछ रहा है। के अंदर देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या के दिए गए हैं, एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर, यस। तो इसका ऑप्शन नंबर वन है जो है वो करेक्ट है। चलिए सेकेंड पे आते हैं, गेन नॉलेज, नो। टीचर स्टूडेंट से नॉलेज गेन कर सकता है, यस कर सकता है लेकिन हमेशा नहीं करता है। थर्ड है कीप द लर्नर इन गुड ह्यूमर,
क्या लर्नर को हमेशा खुश रखने के लिए? नहीं. इवेल्युएट द लर्नर फॉर द प्रोग्रेस मेड? नहीं. तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द स्टडी ऑफ व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक. देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक. अगर कोई स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो ये किस टाइप की रिसर्च है अगर हम इसको रिसर्च करें? तो देखिए इसमें चार टाइप के आपके ऑप्शन दिए गए हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च एंड फिजिबिलिटी रिसर्च. तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है कोई एग्जिस्टिंग फिनोमिना है उसको डिस्क्राइब करना. तो यहाँ पे आपका आंसर डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे केवल आपको डिस्क्राइब नहीं करना बल्कि यहाँ पे आपको वाई पार्ट बताना है कि क्यों है ऐसा. तो वाई पार्ट इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव में नहीं आता. चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखा एक्सप्लेनेटरी. एक्सप्लेनेटरी में एक्सप्लेन करना होता है. अब देखिए वाई का मतलब भी एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेटरी का मतलब भी एक्सप्लेन करना है. और कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि हार्ट अटैक के अंदर और स्ट्रेस के अंदर क्या कोई कोरिलेशन है. तो देखिए यहाँ पे ये चीज एनालाइज पहले हो चुकी है तो इसके आंसर ये नहीं होगा. नेक्स्ट पे आते हैं फिजिबिलिटी रिसर्च. इस टाइप की कोई रिसर्च होती ही नहीं है तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. यानी कि हमें वाई पार्ट को पता करना है. अगर वाई को पता करना होता है तो हमेशा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की जाती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हेन द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट आर एंश्योर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेस रिसोर्सेज एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ टीचर आर मोर इनिशिएटिव फॉर सेल्फ लर्निंग इज एविडेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल डिस्क्राइब द टीचर मोस्ट अप्रोप्रिएटली. तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन बहुत अच्छे से टीचर्स को डिस्क्राइब कर रही है? देखिए अगर लेस रिसोर्सेज यूज किया जा रहा है और सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो यहाँ पे टीचर इफेक्टिव है. यहाँ पे टीचर क्या है? इफेक्टिव. तो इसका टेंथ का आंसर जो होगा वो होगा टीचर इज इफेक्टिव. दैट इज ऑप्शन नंबर टू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. हम इसके केवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस नीड केयरफुली हैंडलिंग एट विच स्टेज. कौन से स्टेज पे केयरफुल हैंडलिंग करनी जरूरी है? तो इसका आंसर देखिए आपका पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर एक लाइन लिखी हुई है. एट दिस स्टेज द रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस नीड केयरफुल हैंडलिंग. तो यहाँ पे कौन सा स्टेज है आपके पास? द थर्ड स्टेज. तो यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड. तो 11 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. द फाउंडर ऑफ ए बिजनेस डज नॉट मूव टू अ मोर मैनेजरियल रोल एट विच स्टेज. तो यहाँ पे कह रहा है जो फाउंडर ऑफ बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा मैनेजरियल रोल पे नहीं जाते हैं. ऐसा कौन से स्टेज में होता है? सो देखिए इसका कुछ आंसर यहाँ से रिलेट कर रहा है. द मेन गोल इज टू मूव द फाउंडर टू अ मोर मैनेजरियल रोल. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस वाले स्टेज पे द अर्ली ग्रोथ फेज में, अर्ली ग्रोथ फेज में द मैनेजर्स जो होते हैं वो मैनेजरियल रोल पे चले जाते हैं. तो अर्ली ग्रोथ फेज से पहले कौन सा स्टेज होता है? स्टार्टअप स्टेज. तो स्टार्टअप स्टेज पे ऑब्वियस नहीं जाते होंगे. सो यहाँ से इसका आंसर क्या निकल रहा है आपका? फोर्थ. बाकी जो मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज है ये तो बाद में आते हैं. तो अर्ली ग्रोथ से पहले क्या आ रहा है? स्टार्टअप स्टेज. तो इसका आंसर 12 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. व्हेन विल अ बिजनेस क्रिएट इट प्लेस इन द मार्केट. कौन से स्टेज पे बिजनेस अपने मार्केट में प्लेस क्रिएट करेगी? सो देखिए इसका आंसर फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में गिवन है. द मेन गोल एट दिस स्टेज इज टू टेक ऑफ अ गुड स्टार्ट एंड मेक अ प्लेस इन द मार्केट. तो यहाँ पे जो अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें मार्केट के अंदर एक प्लेस क्रिएट करनी होती है. तो अर्ली स्टेज यहाँ पे कौन सा है? द इंट्रोडक्शन. यहाँ पे इंट्रोडक्शन को आप स्टार्टअप स्टेज भी बोल सकते हैं या अर्ली स्टेज भी बोल सकते हैं. अर्ली ग्रोथ सेकेंड स्टेज होती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. द स्लोइंग डाउन ऑफ ए बिजनेस कैन हैपन. तो स्लोइंग डाउन कब हो सकता है बिजनेस का? सो इसका आंसर लास्ट पैराग्राफ में दिया है रखा है. अ बिजनेस ऑफन स्लो डाउन एज अ लेवल ऑफ इनोवेटिव एनर्जी मे हैव वीकन. सो अगर लेवल ऑफ इनोवेटिव एनर्जी कम हो गई है तो यहाँ पे बिजनेस जो है वो स्लो डाउन हो सकता है. सो यहाँ पे जो आपका आंसर गिवन है वो क्या होगा? देयर इज अ डिक्लाइन इन द मार्केट शेयर. नहीं है. द लेवल ऑफ इनोवेटिव एनर्जी वीकेंस. तो ये सिमिलर वही लाइन दे रखी है. सो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. वेंचरिंग इनटू रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डज नॉट मीन दैट द बिजनेस विल. अगर हम किसी रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विस में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या? जो बिजनेस जो है वो क्या करेगा? इग्नोर द ओरिजिनल प्रोडक्ट. क्या वो ओरिजिनल प्रोडक्ट को इग्नोर कर देगा? तो देखिए इसका आंसर जो है सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में गिवन है.
The focus at this stage remains on the original product and services, but the effort is to increase the market share and venture into related product or service. So, यहाँ पे effort क्या होता है कि किसी आप related product or service में जाएं, लेकिन at the same time आप अपने original product को ignore ना करें. So, does not mean the business will. So, यहाँ पे आपने क्या कहेंगे? Ignore the original product. मतलब यहाँ पे अपने original product को ignore नहीं करना है. चलिए next question पे आते हैं. If red is coded as 6720, then how will green be coded? अगर red को code कर रखा है, R-E-D, red को code किया है इन्होंने 6720 से, so green का code क्या होगा? So देखिए, अब इसको समझते हैं, देखिए R जो है वो कितने number पे आता है? R आता है 18th number of alphabet, चलिए E कितने पे आता है? 5th number of alphabet. D कितने नंबर पे आता है? 4th नंबर ऑफ अल्फाबेट. कि अब ये जो है अल्फाबेट के जो नंबर है इसके अंदर आपको ऐड करना है कितना कितना 2. सो यहां पे आ जाएगा आपका 6, यहां पे आ गया 7, यहां पे आ गया 20. तो आपका ऑप्शन की गिवन है रेड के लिए 6720. 6720. चलिए इसी तरीके सिमिलरली ग्रीन का करते हैं. तो G आपका आता है कितने पे? 7th. R कितने पे आता है आपका? 18th. E कितने पे आता है? 5th. और n कितने पे आता है? 14. तो अब इसके अंदर भी आप ऐड कर दीजिए 2 2. सो यहां पे आपका क्या होगा? 16 7 7 29. सो यहां पे आपका आंसर क्या होगा? 1677209. ये किस में ऑप्शन में गिवन है? सेकंड में. सो आपका आंसर क्या है? सेकंड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मास मीडिया. ठीक है, मॉडर्न मास मीडिया क्या है? यहां पे जो भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जिसके थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपको न्यूज़ एनालिसिस प्रोवाइड कराया जा रहा है, सो ये बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है. सो जो मॉडर्न मास मीडिया है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे ज्यादा जो रिलेट कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक मॉडर्न मास मीडिया से वो है कैपिटल इंटेंसिव. चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? फर्स्ट. नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18. A trader mixes three variety of refined oil costing 140 and 60 per liter in the ratio of 2:4:3 in the terms of liter and sells the mixture at rupees 66 per liter. What percentage of profit does he make? So, यहाँ पे हमें profit निकालना है. तो देखिए ये कह रहा है कि हमें तीन type के oil को mix करना है. एक का cost है 100 rupees per liter, second का है 40 rupees per liter and third का है 60 rupees per liter. तो देखिए 100 वाले को हम कितने रेशियो में मिक्स कर रहे हैं? 2 की. 40 वाले को कितने की कर रहे हैं? 4 की. और 60 वाले को कितने की कर रहे हैं? 3 की. अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें तो यहां पे आएगा आपका 200, यहां पे आपका 160 और यहां पे आपका आएगा 180 और यहां पे आपका टोटल होगा 540. सो और यहां पे टोटल कितना है आपका? 9. तो आपका आपका एवरेज निकालना है यहां पे. देखिए अगर आपको 540 को डिवाइड करेंगे 9 से तो यहां पे आपका आएगा 60. सो आपकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो है 60 और आप उसको सेल कितने कर रहे हैं? 66 में. सो आपको प्रॉफिट कितने का है? 6 रुपीस का. अगर हम इसको परसेंटेज में निकाल लें तो 6/60 दैट इज 10%. सो आपका आंसर क्या होगा? 10%, यानी कि सेकंड ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन पूछा गया आपसे. न्यू म्यूजिशियंस आर जापानीज. कोई भी म्यूजिशियन जापानीज नहीं है. ऑल बार्बर्स आर म्यूजिशियंस. ओके, नो बार्बर्स आर जापानीज. और कोई भी बार्बर जापानीज नहीं है. तो आइडेंटिफाई द मिडिल टर्म. देखिए अब मिडिल टर्म होती क्या है? मिडिल टर्म वो होती है जो कि कंक्लूजन में नहीं आती है. देखिए अब यहां पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और इन दोनों के बेसिस पे यहां पे कंक्लूड किया गया, ये कंक्लूजन है. तो देखिए यहां पे कंक्लूजन में जो चीज नहीं आई, देखिए जापानीज आया हुआ है यहां पे, बार्बर आया हुआ है यहां पे, लेकिन म्यूजिशियन दोनों में है, म्यूजिशियन नहीं आया हुआ. तो यहां पे जो आपकी मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी? म्यूजिशियन. ओके ठीक है. अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई द मिडिल टर्म इन द अबव सिलोगिज्म. तो म्यूजिशियन आपका मिडिल टर्म है. अब ये म्यूजिशियन जो है सब्जेक्ट इन द फर्स्ट प्रीमाइस एंड प्रेडिकेट इन द सेकंड प्रीमाइस. यस, देखिए ये जो फर्स्ट प्रीमाइस आपकी ये है, सेकंड प्रीमाइस आपकी ये है. तो इसके अंदर आप म्यूजिशियन जो देखिए आप ये सब्जेक्ट है और सेकंड प्रीमाइस में देखिए म्यूजिशियन जो है ये क्या है? प्रेडिकेट है. तो यहां पे आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया? करेक्ट हो गया. सो 19 का ऑप्शन क्या है? फर्स्ट. अब यहां पे इसका बिल्कुल अपोजिट कर रखा है. सो ये आपका ऑप्शन में नहीं होगा. प्रेडिकेट इन बोथ प्रीमाइसेस हो नहीं सकता, सब्जेक्ट इन बोथ प्रीमाइसेस हो नहीं सकता. सो आपका ऑप्शन क्या होगा? 19 का 1. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. अमंग द फाइव फ्रेंड्स विनीत इज टॉलर देन मोनिका. तो यहां पे विनीत है, विनीत जो है वो मोनिका से टॉलर है. बट नॉट टॉल एज राम, बट राम से छोटा है. तो यानी कि राम या विनीत से ऊपर आ गया. जैकब इज टॉलर देन दिलीप.
जैकब जो है वो दिलीप से टॉलर है बट शॉर्टर देन मोनिका, बट मोनिका से शॉर्टर है, तो मोनिका से शॉर्टर है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जैकब आ गया और दिलीप सबसे छोटा है। हु इज़ द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, सो टॉलेस्ट कौन है यहाँ पे, राम, तो आपको ऑप्शन क्या होगा 20 का फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन द एसेंशियल वे। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होती है जहाँ जहाँ तो हम इसमें ओरल कम्युनिकेशन होती है ना, इसके अंदर रिटर्न कम्युनिकेशन होते हैं, यहाँ पे केवल एक कोडिंग से बात की जाती है। तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रिटर्न ऑन द क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ रिटर्न है तो ये नॉन वर्बल नहीं है। यहाँ पे लर्नर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लास, यहाँ पे ओरल बात चल रही है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। द ड्रेस कोड फॉलोड बाई एन इंडिविजुअल, तो ड्रेस कोड आपका आंसर होगा येस। चलिए योगा इंस्ट्रक्टर टीचिंग योगा पोजिशंस टू द प्यूपिल्स, ये भी आपका आंसर हो सकता है लेकिन ये पार्शियली करेक्ट है क्योंकि योगा इंस्ट्रक्शन में हो सकता है वो ओरली बोला भी जा रहा हो, आपको स्टेप्स के बारे में आपको बताया भी जा रहा हो, सो यह पार्शियली करेक्ट है, ये फुली करेक्ट नहीं है। सो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ड्रेस कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज टू द रेलवे स्टेशन एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। वो रेलवे स्टेशन जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आ कितने स्पीड से रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर, और उसको टोटल जर्नी का टाइम लगा है 5 घंटे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम द विलेज, सो यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन और विलेज का डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। सो इसको देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम, यहाँ पे आपका आ गया फर्स्ट वे सेकेंड वे, फर्स्ट वे मतलब वो जा रहा है सेकेंड वे में जब वो आ रहा है। चलिए फर्स्ट वे में वो उसकी स्पीड क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, एक्स मान लीजिए इसको, और टाइम कितना लगा उसको, एक्स अपॉन में 20 आवर, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो यहाँ पे आपका टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समझ आया। चलिए इसी में सेकेंड वे में करते हैं, तो यहाँ पे आपकी स्पीड रही है 5 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्स, और जो आपका टाइम लगा है वो कितना है, एक्स बाई 5 आवर, ओके। और आपको अब देखिए अब यहाँ पे आपको टाइम निकालना है, तो आपको एक ये इक्वेशन बन गई, अब ये टाइम कितना है टोटल, 5 आवर्स। सो यहाँ से अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आप आएगा एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 100, 5x इज इक्वल टू 100, एक्स इज इक्वल टू 20। सो आपका आंसर क्या है एग्जैक्ट यहाँ पे, 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेशन प्री सपोजेस अ शेयर्ड सिंबॉलिक एनवायरनमेंट और सोशल रिलेशनशिप अमंग नॉन पार्टिसिपेंट। अब ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कम्युनिकेशन प्री सपोज करता है, तो देखिए प्री सपोज तो नहीं करता कम्युनिकेशन एक शेयर्ड सिंबॉलिक, मतलब आपने कम्युनिकेशन करा भी नहीं, उससे पहले भी आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, सोशल रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया नॉन पार्टिसिपेंट के साथ। सो ऐसा तो नहीं है, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक ही कोई भी एनवायरनमेंट या सोशल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा। सो या इसका आंसर जो होगा ये तो इनकरेक्ट है। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इसका रीजनिंग देखते हैं इसकी। इट लीड टू सोशल इंटरेक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन विद अदर फैक्टर कंट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। सो अगर यहाँ पे कह रहा है एक सोशल इंटरेक्शन होगा आपका और जो कि फर्दर फैक्टर के साथ कंट्रीब्यूट करके एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बनाएगा, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है येस, कम्युनिकेशन में ऐसा होता है। सो यहाँ पे केवल रीजनिंग करेक्ट है, सो ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडक्टिव आर्गुमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, इंडक्टिव आर्गुमेंट और डिडक्टिव आर्गुमेंट दो टाइप के आर्गुमेंट होते हैं। डिडक्टिव आर्गुमेंट का मतलब होता है जनरल टू स्पेसिफिक, दैट इज डिडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है स्पेसिफिक टू जनरल, और स्पेसिफिक को हम पर्टिकुलर भी बोल सकते हैं। सो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, दैट इज जनरल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज -20 एंड द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 32, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द अदर 2 नंबर्स। देखिए अगर एवरेज ऑफ 5 नंबर दे रखा है -20 एंड द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 32, सम ऑफ उसमें जो 3 नंबर हैं उनका सम कितना है 32, देन द एवरेज ऑफ द अदर 2 नंबर्स क्या होगा। सो यहाँ पे जो देखिए अब यहाँ पे दे रखा है 32 3 का एवरेज है, प्लस में हमें बाकी 2 का तो नहीं पता, तो उसको हम एक्स ले लेते हैं, अपॉन में टोटल कितने नंबर्स हैं 5, और उन सब का एवरेज कितना है -20। सो यहाँ पे क्या होगा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 32 प्लस एक्स इजक्वल्स टू -100, इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, सो एक्स इजक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे -68।
सो एक्स जो है यहाँ पे ये दोनों का कंबाइंड है तो हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे हम -68 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों में, ये एक्स में कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -34 थर्ड ऑप्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल गिवन बिलो। देवदत्ता इज ग्रोइंग फैट, देवदत्ता मोटा होता जा रहा है। ही डज नॉट ईट फूड ड्यूरिंग द डे, और वो दिन में खाना नहीं खाता। देयरफॉर ही मस्ट बी ईटिंग ड्यूरिंग द नाइट। सो इसका मतलब वो रात को खाना खाता होगा। तो ये हमने अनुमान लगाया है, यहाँ पे हमें एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि इसका एग्जैक्टली वो रात को ही खाना खाता है, लेकिन हम उसमें अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अनुमाना। ये इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 0.75x इज इक्वल टू 0.02y देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। तो देखिए इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे दे रखा है 0.75x इज इक्वल टू 0.02y। सो यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे हम इसको इधर हम इसको यहाँ पे ले आ सकते हैं या फिर इसको यहाँ पे ले आ सकते हैं। तो हम किसी भी एक चीज़ को यहाँ पे ले आते हैं। 0.75x डिवाइड बाई 0.02y, 0.02 इज इक्वल टू वाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। सो हमें वाई की वैल्यू निकल जाए यहाँ पे। तो वाई की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0.75 से 0.02y इज इक्वल टू 37.5x इज इक्वल टू वाई। अब अगर हम इसके अंदर पुट करें तो 37.5x माइनस एक्स डिवाइड बाई 37.5x प्लस एक्स इज इक्वल टू, आपको बताना है इसके अंदर से क्या होगा। तो अगर इसको अंदर हम देखें तो 37.5x माइनस एक्स हो जाएगा आपका 36.5 और यहाँ हो जाएगा आपका 38.5। सो अगर दोनों को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ, सो यहाँ पे आएगा आपका 73/77। सो इसका ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर 5 स्टेज होती है। सबसे पहला स्टेज होता है कॉन्टैक्ट, सेकेंड स्टेज होता है इन्वॉल्वमेंट, थर्ड स्टेज होता है इंटीमेसी, फोर्थ स्टेज होता है डिटोरेशन और फिफ्थ स्टेज होता है रिपेयर। तो देखिए इसके अंदर से कौन सा मैच कर रहा है, तो इंटीमेसी मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का कौन सा स्टेज है, इंटीमेट स्टेज। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कंसीडर द आर्गुमेंट प्रोवाइडेड बिलो। साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट लाइक द जार। तो साउंड क्या परमानेंट है, नहीं। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ही गलत है। सो अगर इसके अंदर देखिए फॉलिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन, तो यहाँ पे हमें रीजन पे तो आना ही नहीं है, रीजन वाले सारे गलत, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट ही गलत है। तो फॉलेसी ऑफ रॉन्ग एशर्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे आते हैं। सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज इम्प्लाइड व्हेन। सिमेंटिक बैरियर होता क्या है, अब देखिए सिमेंटिक बैरियर का मतलब ये होता है कि अगर जो आपका कम्युनिकेशन रिसीवर है अगर वो अपनी सेंडर की मीनिंग को एग्जैक्ट इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, उसको गलत इंटरप्रेट कर लेता है, उसका गलत मीनिंग निकाल लेता है, तो उसको सिमेंटिक बैरियर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका ऑप्शन देखें इसको ध्यान से, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज। अगर रिसीवर को अंडरस्टैंड नहीं हुआ उसका एग्जैक्ट मीनिंग, तो उसको गलत इंटरप्रेट करेगा और गलत मीनिंग उसकी निकाल लेगा। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का होगा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका DI का क्वेश्चन है। सो आपको कुछ ईयर्स दे रखे हैं और प्रोडक्शन उसकी दे रखी है उस ईयर्स में। सो आपको बताना है इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर। सो यहाँ पे आपको एवरेज प्रोडक्शन बतानी है और एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा कौन से ईयर्स में प्रोडक्शन था ये बताना है आपको। सो देखिए एवरेज प्रोडक्शन आपकी अगर हम देखें तो यहाँ पे आएगी 30+35+50+70+75+75+60+85+90। सो इसका टोटल आपका जो आएगा वो होगा कितना, 65। सो आपका एवरेज जो आ रहा है वो है 65। अब वो कह रहा है कि किस ईयर में ज़्यादा थी, देखिए इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा नहीं है, 1, 2, 3, 4, तो 4 सालों तक ज़्यादा रही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, 3, दैट इज 4 साल। चलिए सेकंड देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल दैट शो द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंपनी 1000 टन ड्यूरिंग द ईयर 2011 एंड 2018। सो इसके अंदर पूछ रखा है आपसे, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2013 एंड 2014 वॉज एग्जैक्टली इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर। सो यहाँ पे अब 2012 और 13 का एवरेज प्रोडक्शन पूछा गया है। तो 12 और 13 का एवरेज प्रोडक्शन आपका आएगा 70+50 डिवाइड बाई 2, दैट इज 60। सो 60 के इक्वल किसकी प्रोडक्शन है, सो 60 के इक्वल प्रोडक्शन किसकी है, अगर हम देखें 11 और 12 की देखें तो 11 और 12 में आपकी एवरेज प्रोडक्शन जो आ रही है वो है
42.5, 11 और 17 में आपकी प्रोडक्शन है वो है 60, 12, 14 में 52.5 एंड 15, 16 में 67.5. सो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा 60, दैट इज 11 एंड 70. तो आपका ऑप्शन क्या है, 2. चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं. What was the approximate percentage increase in the production of fertilizers in 2018 compared to that of 2011? देखिए 18 और 11 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है. तो देखिए यहाँ पे 18 में कितना है, 90 का प्रोडक्शन है. 11 में कितना था, 35 का प्रोडक्शन था. और इनिशियल कितना था, 35. परसेंटेज निकालने के लिए इनिशियल लेते हैं डिनोमिनेटर में, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ये 157. सो आपका कितना आ रहा है, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम. कौन से साल में पिछले साल के कंपेरिजन जो है वो प्रोडक्शन मैक्सिमम रहती है एज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो देखिए 2012 में अगर देखा जाए तो जो परसेंटेज इंक्रीज रही थी वो थी 42.85. आप इसको मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए ये ऐसे आया है 50 - 35 / 35 × 100. चलिए तो इसमें आया था आपका आंसर आया था 42.58. नेक्स्ट में देखते हैं 2013 में कितने रही है, 40. 2015 में कितने रही है, 36.36. एंड 2018 में कितने रही है, 5% इंक्रीज. सो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 2012, यानी कि दैट इज फर्स्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं. What was the percentage decline in the production of fertilizer from 13 to 14? 13 से 14 में कितना production decline हुआ है? So 13 से 14 में production decline जो हुआ है वो है 55 - 70 / 70. That is -15/70, which comes to 21.42% negative production. इतना decline हुआ है production का. Next question पे आते हैं. Which pollutant is the major source of marine pollution? So major source जो होता है marine pollution का वो होता है आपका agriculture runoff. Industrial waste भी होता है, लेकिन industrial waste perfect way में आप इसका answer नहीं कर सकते. यहाँ पे दो दो answers दिए गए हैं आपको, दोनों ही marine pollution के सबसे बड़े source हैं, लेकिन आपका perfect answer जो होगा वो agriculture runoff होगा. Oil spills और sewage इतने ज़्यादा relevant नहीं है marine pollution के लिए. Now 1 TB of memory is equals to, so 1 TB होता है 1024 × 1024 × 1024 KB. सो इसका ऑप्शन होगा 3. चलिए अगला देखते हैं. द एक्सपेंशन ऑफ संकल्प इज, सो यहाँ पे संकल्प का आपको फुल फॉर्म पूछी गई है. सो संकल्प की फुल फॉर्म होती है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रोग्राम, दैट इज थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं. द मैंग्रोव एग्जिस्ट इन, सो मैंग्रोव कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? तो मैंग्रोव सेलाइन वाटर में एग्जिस्ट करते हैं. तो इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 39 का 4th. क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, ये देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया आपसे आईसीटी में. तो इसका ऑप्शन होगा याहू. याहू एक ब्राउजर नहीं है, ये एक सर्च इंजन है. बाकी सारे ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे वेब ब्राउजर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. और डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज स्प्रेड बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अनदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट. सो ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बाकी सारी कॉपीज में भी एग्जीक्यूट हो जाता है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में भी खुद ही कॉपी हो जाता है अगर उसमें अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया जाए कंप्यूटर डिवाइस से. सो देखिए इसका जो आंसर है वो है कंप्यूटर वायरस. कंप्यूटर वायरस हमेशा कंप्यूटर सिस्टम में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन पे आते हैं. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो था वैक्यूम क्यूब, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था वो था ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था वो है VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स. सो देखिए ए का थर्ड इसके अंदर इन तीनों में है, और बी का फर्स्ट है इन दोनों में, और सी का फोर्थ है सेकंड में, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 43 पे. 43 में पूछा गया केमिकल ऑक्सीजन डिमांडिंग यूट्रोपिक वाटर इज, यूट्रोपिक वाटर के अंदर कैसा केमिकल ऑक्सीजन होता है, वो एक्सट्रीमली लो होता है. इसके अंदर जो ऑक्सीजन लेवल होता है यूट्रोपिक वाटर के अंदर वो डिप्लीट होने लग जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज किए सो दैट वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे. सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, पर्माफ्रॉस्ट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच बायोम, सो कौन सा बायोम का कैरेक्टरिस्टिक है, सो इसमें टाइगर, टुंड्रा, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट दे रखा है, तो पर्माफ्रॉस्ट किसका है, टुंड्रा का है। देखिए टुंड्रा क्या होता है, यहाँ पे अगर हम अर्थ को देखें तो जो नॉर्थ पोल में आर्कटिक एंड अंटार्कटिक है, यहाँ पे पर्माफ्रॉस्ट वेजिटेशन होता है। पर्माफ्रॉस्ट क्या होता है, ए लेयर ऑफ परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड, यहाँ पे जो ग्राउंड है वो परमानेंटली फ्रोजन होता है, सो पर्माफ्रॉस्ट फ्रोजन ग्राउंड्स को बोला जाता है। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो कैसी होती है, टुंड्रा वेजिटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन कैरीज द सब टाइटल एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, तो ये बेसिकली कोठारी कमीशन के अंदर देखा गया था, यहाँ पे जो सब टाइटल था कोठारी कमीशन का वो था एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर द मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी गॉट इस्टेब्लिश, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो NTA ही प्रोवाइड करा पाएगा, तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत पुट अप किया गया है। मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर तो इस टाइप की कोई यूनिवर्सिटी है नहीं, इसका हम वेट करेंगे कि NTA क्या आंसर देता है, सो उसके बेसिस पे हम इसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर गिवन बिलो हायर एजुकेशन इन इंडिया गॉट अ सेटबैक, हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया के अंदर एक सेटबैक हुआ था, कौन से ईयर के अंदर हुआ था, तो ये ब्रिटिश ईयर में हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा 48 का फर्स्ट। 49 पे आते हैं, इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन द टर्म RGB मीन्स, RGB का क्या मतलब होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू होता है RGB का मतलब, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सेकंड। अगला, द टारगेट सेट बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर जनरेटिंग पावर फ्रॉम विंड एनर्जी बाय द ईयर 2022 इज, तो इसका जो विंड एनर्जी से पावर जनरेशन का है वो है गवर्नमेंट का टारगेट 60 GW का। इसको जरा समझ लेते हैं, देखिए 2022 से पहले गवर्नमेंट का टारगेट है कि नेचुरल एनर्जी वो 175 GW जनरेट की जाए नेचुरल एनर्जी के थ्रू, जिसके अंदर से 100 GW जो होगा वो सोलर के थ्रू करने का टारगेट है, 60 GW विंड के थ्रू करने का टारगेट है, 10 GW बायो पावर के थ्रू एंड 5 GW हाइड्रो पावर के थ्रू। सो आपका जो यहाँ पूछा गया है विंड एनर्जी के थ्रू, तो वह आपका आंसर 60। तो हमने सारे क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया और उसके आंसर्स को डिस्कस किया है, तो आप इसके बेसिस पे आपने अपने आंसर्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसके अंदर हम उसके कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको NTA में भी रिमूव कर दे, क्योंकि उसका कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है और ना ही उस टाइप की कोई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है इंडिया के अंदर। सो आप इसके बेसिस पे आप अपने आंसर्स इवेल्युएट कर सकते हैं। हम कॉमर्स मैनेजमेंट एंड HRM का कंप्लीट एनालिसिस पेपर अपलोड करेंगे जल्दी, अगर आप उसको कंप्लीटली देखना चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आपको उसका कंप्लीट एनालिसिस वीडियो मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू।